जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है ना, अभी जो रिसेंटली 2024 में यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसमें जीएस वन में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, और वैसे अगर आप इसके बैकग्राउंड सब्जेक्ट की बात करोगे तो वो किस सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएगा, जियोग्राफी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप टॉपिक की बात करो तो ये आपका निकल के आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और दूसरा जो वाटर रिसोर्सेस वाला है आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा एक वाटर रिसोर्सेस के रिगार्डिंग में, तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। रीजन क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो ये पूछा गया है कि जो गैंगेटिक वैली है उस जगह पे ऐसे क्या रीजन है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी गिरावट की वजह से एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आपको बताना था। क्वेश्चन यही पूछा गया, और किस तरीके से ये हमारी कंट्री के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उसको इम्पैक्ट डाल रहा है। इन शॉर्ट अदर लैंग्वेज आप ये समझिए कि गैंगेटिक वैली में जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो डे बाय डे डिक्लाइन होते जा रहा है उस पे एग्रीकल्चर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो फूड सिक्योरिटी है हमारे देश के अंदर में उस पे क्या इम्पैक्ट है। तो आपने फूड सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, और वाटर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इन शॉर्ट ये जो ज्योग्राफिकल मतलब जो इसके बैक क्वेश्चन की बैकग्राउंड की बात करोगे तो ज्योग्राफी से ही ये क्वेश्चंस निकल के आया है, इंडियन ज्योग्राफी से। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ आंसर जो मैंने अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप बिल्कुल अपने पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप मेरे आंसर को अगर आप मार्क्स देना चाहें कि 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स में लिखना होता है, आप कितने मार्क्स देंगे वो भी आप दे सकते हैं इवेलुएट करके। तो इस सजेशंस लगता है कि कुछ कमी है पॉइंट्स में आंसर में तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से जो गैंगेटिक वैली है उस जगह पे आपको अंडरग्राउंड वाटर डे बाय डे डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि दिन पे दिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से जो वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओवर एक्सट्रैक्शंस फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप पंजाब का स्टेट पंजाब स्टेट देख सकते हैं और हरियाणा हरियाणा आज के टाइम पे अगर हम बिहार उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो वो भी इस जो ये जो प्रॉब्लम है उसको सफरिंग कर रहे हैं। देखिए अगर हम पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सॉरी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे स्टेट की बात करते हैं तो ये हमारे क्या है एग्रीकल्चर स्टेट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी मात्रा में की जाती है। या आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए। एक दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि ये गैंगेटिक वैली के अंदर आने वाले स्टेट है तो यहाँ की जो सॉइल है एल्यूवियल सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो खेती की जाती है ना वो क्या किया जाता है, काफी ओवर एक्सट्रैक्शन मेथड पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो खेती की जाती है काफी ज्यादा मात्रा में जो होती है, तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, हमको क्या किया जाता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज किया जाता है। जबकि अगर आप पंजाब की बात करो तो पंजाब में आपको 5 नदियां देखने को मिल जाएंगी। तो कृषि के लिए जो एग्रीकल्चर जो डिपेंड करती हैं इन स्टेट में ज़्यादातर किस पे पड़ती हैं, एक तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उस पे। दूसरा देखिए बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है तो हमें पता है कि वाटर क्या है, एक रिसोर्सेज के फॉर्म में हम देखते हैं, क्योंकि वाटर हमारी क्या करता है जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। और डे बाई डे अर्बनाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो वाटर का जो यूज़ है मेनली किस पर्पज से किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज से आज के टाइम पे वाटर का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक ये फैक्टर है कि जिसके वजह से जो पानी है यानी कि जब अंडरग्राउंड जो वाटर है ग्राउंड वाटर वो क्या हो रहा है डे बाई डे डिक्लाइन होते जा रहा है। उसके बाद देखिए पुअर वाटर मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस किए जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज के टाइम पे जो हम वाटर की जो मैनेजमेंट्स की बात करते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखिए कि जब हमारी कंट्री में मॉनसून आती है जब हैवी बारिश होती है तो जो वाटर होता है वो प्रॉपर तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है,
तो डे बाय डे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो ज़रूरत है कि आज के टाइम पे हम सबसे पहले क्या करें, जो हमारा वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको हम क्या करें, इम्प्रूव करें। उसके बाद देखिए लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि आज के टाइम पे जो हमारा रेन है वो भी क्या होते जा रहा है, अनबैलेंस होते जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है, जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है, यानी कि जो क्लाइमेट डे बाय डे क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा रेन है वो प्रॉपरली मॉनसून में बारिश हो नहीं पाती है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज फैक्टर हो गया, या हम बात करते हैं जो रिवर वाटर डिप्लेशन आज के टाइम पे, जैसे जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, या हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो प्रॉपरली तरीके से हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो डे बाय डे ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर डिक्लाइन देखने को मिलता है। फिर जैसे इंडस्ट्रियल यूजेस की बात होगी, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है फैक्ट्री के द्वारा जो जनरेट किया जाता है वो सीधा सीधी डंप कर दिया जाता है, कहाँ पे जा करके, रिवर में जा करके कर दिया जाता है। और आप सबने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर हम फ्रेश वाटर सोर्स की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर का सोर्स हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, ग्राउंड वाटर। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, रिवर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेक देखने को मिल जाएगा, फिर पॉन्ड्स देखने को मिल जाएगा, फिर आपका रेन आ जाएगा। तो ये ऐसे सोर्स है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। और एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स थे जिनके वजह से हम क्या देख रहे हैं, डे बाय डे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम डिक्लाइन बात करते हैं, जो ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन होते जा रहा है गंगेटिक वैलीज में, वो आज के टाइम में बहुत ही एक सीरियस कंडीशंस बन के रहेगी, एक सीरियसली इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। किस पर, तो फूड सिक्योरिटी पर देखने को मिलेगा, जो कि अगर बात करते जो गंगेटिक रीजन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो अगर गंगेटिक वैली का जो ग्राउंड वाटर इसी तरीके से डिक्लाइन होने लगेगा जिस तरीके से अभी हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न, उसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ेगा, हमारी कंट्री के फूड सिक्योरिटी पे पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि गंगेटिक वैली की बात करते तो ये हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये एक हिमालयन फॉलोइंग रिवर देखने को मिलेगा, जिसमें 12 के 12 मंथ क्या होते हैं, रिवर फ्लो करते रहते हैं। जैसे आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा उसमें ज्योग्राफी में, कि जो रिवर्स होते हैं हमारी कंट्री में दो तरीके से डिवाइडेड है। अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो जैसे एक पेनिनसुलर रिवर, दूसरा हिमालयन रिवर। पेनिनसुलर रिवर वो सीजनली रिवर होते हैं, मानसून के टाइम पे उसमें पानी फ्लो होने लगते, पानी भर जाते हैं। लेकिन अगर हम हिमालयन रिवर की बात करें तो उसकी जो उसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, हिमालय पर्वत से होता है। तो इसलिए हिमालयन रिवर हिमालयन रिवर 12 के 12 मंथ्स क्या होती है, फ्लोइंग रिवर होती है। अब देखिए इसके रीज़न क्या क्या है डिक्लाइन होने का। सबसे पहला रीज़न है कि रिड्यूस इरिगेशन, यानी कि सिंचाई में कमी। देखिए अगर हम गंगेटिक वैली की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या था, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर का आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा इरिगेशन के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहा है, यानी कि जो हमारी जमीन भूतल के अंदर, जमीन के अंदर जो पानी है, इसका मेन रीज़न क्या है कि जो वाटर है उसकी जो एबिलिटी है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, जो क्रॉप्स जो प्रोडक्शंस किए जाते थे, फसल जो उगाए जाते थे उस पे किया जाता है। तो जो वाटर क्या करता है, एक इंटेंसिव क्रॉप्स है, जैसे सबसे ज़्यादा जो वाटर का जो क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, राइस के लिए किया जाता है, वीट में किया जाता है, शुगर केन में किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 kg में हमें कितने लीटर रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, तो 3000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है 1 किलो चावल सिर्फ और सिर्फ उगाने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि राइस के प्रोडक्शंस में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये ऐसे स्टेट हैं जिसमें चावल की खेती जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो गंगेटिक वैली में जैसे चावल जैसे जिसमें हाई क्वांटिटी में मात्रा में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा निकालते हैं। तो एक ये रीज़न है कि जो गंगेटिक वैली है उसमें पानी की कमी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा रीज़न बात करते हैं लोअर क्रॉप्स
जो यील्ड से मतलब कि जिसमें अगर हम वाटर की बात करते कि कम पानी का मतलब ये होता है कि जो क्रॉप है वो प्रॉपरली तरीके से अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो जो किसके वजह से वो जो किसका कारण बनेगा कि जो खेत की जो सिंचाई होती है या कम, इसके वजह से क्या होगा कि जो फसल है वो कम प्रोड्यूस होगा। अगर कम प्रोड्यूस होता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो फूड है, जो फूड प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल अमाउंट में होगा, यानी कि काफी कम मात्रा में आपको फूड प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो जो कि किसके तो जो कि जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यूसली फूड की जो शॉर्टेज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कम फसल होगा, कम यानी कि पानी की कमी होगी तो कम फसल पैदा होगा, इरीगेशन में कम पानी यूज किया जाएगा, फसल कम होगा तो फूड की जो शॉर्टेज है ऑटोमेटिकली पड़ेगी। और फूड की शॉर्टेज अगर पड़ेगी तो जैसे ये हमारी कंट्री में आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, मेजर ऑफ जो मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वहां तक उनको उनके लिए फूड जो एक्सेस है और अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए फूड एक ऐसा चीज है, यानी कि जो जैसे कि हम फूड की बात करते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, या मेनली अब तीन चार चीजें अगर हम देखें, जैसे फूड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब के लिए क्या होना चाहिए, एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसी तरीके से अगर हम फूड के सेक्टर में बात करें, जब फूड प्रोडक्शन ही कम होगा तो मेजोरिटी में जो लोग होंगे उनके लिए जो फूड होगा ना तो वो अवेलेबल होगा ना उनके लिए एक्सेसिबल होगा। तो इस वजह से क्या है, एक बेसिक मतलब एक जो कारण निकल के आता है फूड शॉर्टेज का, फूड सिक्योरिटी का, उसके लिए काफी बड़ा एक चैलेंज हमारी कंट्री के लिए फिर निकल के आएगा अगर इसी तरीके से वाटर डिक्लाइन होता रहा तो। उसके बाद देखिए आज भी हमारी कंट्री में जो फार्मिंग है वो किस पे डिपेंडेंसी करती है, किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे, यानी कि जितनी अच्छी बारिश होती है उतना अच्छा कहा जाता है कि हमारे कंट्री में फसल होगा। तो ग्राउंड वाटर जो है वो आज के टाइम पे अगर कम उपलब्ध होगा, कम अवेलेबल होगा, तो फार्मर्स क्या करेंगे, और भी ज्यादा क्या होते जाएंगे, डिपेंडेंट होते जाएंगे किस पे, रेनफॉल पे। जैसे पहले होते थे कॉलोनियल टाइम पे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट नहीं था, डैम्स नहीं थे, वाटर ट्रीटमेंट के लिए रिगार्डिंग हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो हम किस पे डिपेंड करते थे, मानसून पे डिपेंड करते थे। अगर मानसून खराब होती थी तो फसल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती थी। उसी तरीके से अगर आज ग्राउंड वाटर इसी तरीके से डिक्लाइन होता रहेगा तो जो फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी है वो बारिश पे और डे बाय डे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा हमारी कंट्री के किस पे, फूड सिक्योरिटी पे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो देखते हैं, अगला पॉइंट है हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर हम ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर लेवल की बात करते हैं, वो जैसे जैसे आज के टाइम पे कम होते जा रहा है, तो देखिए तो इसमें क्या है, किसानों के द्वारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब वो कैसे बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा डीप क्या करेंगे, इरीगेशन के लिए वो टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेंगे, वो ज्यादा डीप वेल यानी कि कुएं, डीपर कुएं खुदवाएंगे, पंप लगवाएंगे, मोटर पंप लगवाएंगे, बोरिंग करवाएंगे, तो जिसके वजह से जो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो डे बाय डे क्या होती जाएगी, और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो फूड की प्राइस होगी वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगी कि जो मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनके लिए जो फूड होगा वो क्या होगा, अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि फूड एक ऐसा आइटम है जो हर एक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके बाद देखिए बात करते हैं लेस लॉस ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि तब जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, उसको काफी ज्यादा क्या होगा, नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। तो बहुत से जो फार्मर्स है जो आज के टाइम पे डिपेंड करते हैं किस पे, रेगुलर हार्वेस्टिंग और फार्मिंग के लिए, यानी कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं फार्मिंग, खेती पे। तो अगर जो ग्राउंड वाटर अगर धीरे धीरे इसी तरीके से अगर कम होता रहेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जो मिडिल क्लास फार्मर होते हैं, मिडिल फार्मर होते हैं, या जो स्मॉल फार्मर होते हैं, तो उनके लिए फार्मिंग करना काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, एक डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल फार्मर है या जो मिडिल फार्मर है वो किसके अंदर जाएगा, एक तरीके से उनको पॉवर्टी के अंदर में आना पड़ेगा।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लॉसेस है, लॉसेस ऑफ लाइवलीहुड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उनकी जो मेन एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर ही होती है। फिर देखिए बात करते हैं कि ट्रीट टू नेशनल फूड सप्लाई, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति है उस पर भी क्या आएगा, एक तरीके का खतरा बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो नेशनल फूड सप्लाई है वो क्या करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अगर जो ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन, अगर डिक्लाइन होती रहेगी तो कॉमन सी बात है कि प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सरकार के पास जो नेशनल फूड सप्लाई के पास जो फूड स्टोरेज है वो उसकी शॉर्टेज पड़ेगी, और जब फूड शॉर्टेज पड़ेगी तो वो क्या कर पाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सप्लाई है ओवरऑल, तो जो फूड सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, उनके पास जो फूड की शॉर्टेज होती जाएगी। तो फूड की शॉर्टेज होने के वजह से क्या होगा, फूड सप्लाई पे ये जो फूड है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फूड हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, तब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो हम फूड आज फूड प्रोडक्शन में जहाँ हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो एक टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से अगर फूड वाटर डिक्लाइन होती रहेगी तो हमें फूड के लिए अदर नेशंस पे क्या होना पड़ेगा, डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे एक टाइम पे हम क्या बात करते हैं 1947 जब से, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 से, तो 1970s तक हम क्या थे, वीट्स के लिए किस पे डिपेंड करते थे, यूएसए पे डिपेंड करते थे। तो 1960s से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब उसने हमें क्या किया था कि फूड के मैटर पे, एग्रीकल्चर के मैटर पे क्या किया था, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिला। तो तब जाके जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसी जो स्कीम लेके आए, एक रिवॉल्यूशन लेकर के आए, तब जाकर के आज हम अपने फूड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है फूड के मामले में आज हम क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही अगर फूड डिक्लाइन, वाटर डिक्लाइन होता रहेगा तो हमें भी क्या, फिर आने वाले टाइम पे क्या होगा, हमें फूड के लिए क्या है, अदर नेशंस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस हमें देखने को मिलता है अगर गंगेटिक वैली में वाटर इसी तरीके से डिक्लाइन होता रहा। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे इंटेंटिव्स या जो स्टेप्स जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रही है गंगेटिक वैली में उसको टैकल किया जा सके। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं अटल भूजल योजना के बारे में। ये लॉन्च हुआ था 2020 में। इसका जो मेन फोकस था वो क्या था कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इफेक्टिव वाटर यूजेस, यानी कि इसमें हर एक कम्युनिटी की भागीदारी हो, और जो वाटर है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, और रिचार्ज मेजर लाइक जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या किया जाए, फिर से उसका पुनर्भरण उपयोग किया जाए, मतलब सही तरीके से प्रॉपरली उसका उपयोग किया जाए। फिर देखिए दूसरा इंटेंटिव बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो इसका मेन काम, मेन और जो मोटिव था वो क्या था कि प्रमोट करना था कि किस तरीके से हम इफेक्टिव इरिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन जिसमें ड्रिप और जो आपको स्प्रिकल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा कि इसमें जो वाटर वेस्टेज था, यानी कि जो पानी का जो खपत ज़्यादा थी, वेस्टेज ज़्यादा था, उसको क्या करना था, कम करना था, और इंक्रीज करना था इरिगेशन को, यानी कि सिंचाई को और भी ज़्यादा क्या करना था, इफिशेंसीज करना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, अगर हम इसके एम की बात करते हैं तो वो रिड्यूस करना था जो भी डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर पर एग्रीकल्चर के मैटर पर, तो उसको क्या करना था, रिड्यूस करना था, उसको कम करना था। फिर देखिए जल शक्ति अभियान की बात करते हैं। जल शक्ति अभियान जो कैंपेन चलाया गया था, इसका मेन जो फोकस था वो क्या था, वाटर कंजर्वेशन था, कि यानी कि वाटर को, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, और रेन वाटर का हम किस तरीके से हार्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, सिंचाई के लिए, खेती के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं नेशनल एक्वाइफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्टकट में NAQUIM भी बोलते हैं। इसका जो मेन जो इसकी जो इंटेंटिव्स था वो क्या था कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज था उसको मैपिंग करना था, मैप्स करना था, और जो कि अलग जिसमें अलग अलग रीजन, जिसमें इंक्लूडिंग हमारे गंगेटिक प्लेन्स भी था, और जो कि हेल्प करता था किसके लिए, सेंसिटेबल अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। फिर देखिए और क्या था, डेवलप करना था जो भी रीजन स्पेसिफिक प्लेन्स है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डे बाई डे डिक्लाइन होते जा रहा है, तो उसको क्या करना था, प्रॉपरली मैनेज करना के मैनेज करके उसको कंजर्व करना था।
फिर देखिए वाटर कंजर्वेशन इंटेंटिव की बात करते हैं, ये जो स्कीम थी ये किसके अंडर में, जैसे एक मनरेगा था, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, तो इसमें क्या है गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा था कि जो वाटर कंजर्वेशन के लिए स्ट्रक्चर्स तैयार करना, जैसे चेक डैम हो गया, पॉन्ड्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट्स हो गया, तो इसके लिए क्या करना था वाटर की जो जो अवेलेबिलिटी थी उसको क्या करना था इम्प्रूव करना था, उसके निर्भर को बढ़ाना था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में, जैसे कि जो गैंगेटिक वैली में जो वाटर डिक्लाइन हो रहा है इससे फूड सिक्योरिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर डिस्कशन पसंद आया होगा, पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी अगर आपको सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।